वेलकम टू माई चैनल एबी रॉक्स। यहाँ पर यूरो क्वालिफायर्स लीग का मैच हो रहा है फिनलैंड वर्सेस डेनमार्क के बीच। तो बात करें, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, तो फिनलैंड एंड डेनमार्क में जो मैच हो रहा है इसके अंदर मैं फेवर करूँगा सबसे पहले तो डेनमार्क को, क्योंकि डेनमार्क और फिनलैंड के साथ एक मैच हुआ था डेनमार्क का, जो कि आज से 5-6 महीने पहले खेला गया था, जिसके अंदर डेनमार्क ने इनको 3-1 से बीट कर दिया था और तीनों गोल एक ही प्लेयर द्वारा आए थे, डेनमार्क के मेन प्लेयर द्वारा। इसलिए मैं डेनमार्क कर रहा हूँ। सो मैं डेनमार्क के साथ हूँ। सो मैंने स्कैट्स कुछ निकाल रखे हैं जो मैं आपको लेके चलता हूँ उधर। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, फिनलैंड एंड डेनमार्क दोनों टीम्स की जब भी राइवलरी होती है तो एक थोड़ी अलग होती है, क्योंकि फिनलैंड डेनमार्क एकदम नेक्स्ट लेवल मैच होता है, जितनी बार भी कवर किया होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा बार तो नहीं किया, आई थिंक अपने मेरे फुटबॉल करियर के अंदर मैंने 1 या 2 बार मैच फिनलैंड और डेनमार्क का देखा होगा, क्योंकि ये मैचेस काफ़ी लंबे समय में होते हैं ना, क्योंकि दो कंट्रीज़ कब भिड़ेंगे आपको क्या पता, ठीक है। तो बात करें 2, 3, 4, 10 मेंबर कॉन्टेस्ट आपने खेलना है, की प्लेयर एंड कैप्टन सजेशन की बात करूँ तो आर हॉजलैंड को यहाँ पर मैं अपनी टीम में लूँगा। सबसे पहले रैसमस हॉजलैंड एक बहुत ज़बरदस्त ग्रेट प्लेयर है, हॉजलैंड में इतना दम है कि ये एक तरफा मतलब मैच कराने का दम है, जो उसने पिछली बार किया था आज से पहले मार्च में 2023 इस बंदे ने 3 गोल किए थे फिनलैंड को ही, जो कि वो देखते रह गए थे कि अब आगे करना क्या है, ये इतना खतरनाक खिलाड़ी है। उसके बाद जियो वाइंड की बात करूँ, जियो वाइंड और हॉजलैंड में से अगर एक भी खेल गया तो चलेगा, दोनों का खेलना ज़रूरी है भी नहीं, अगर दोनों एक साथ खेलेंगे तो हमें दिक्कत है, कल को हमको दिक्कत आएगी कि हमें रिक्सन छोड़ना है, हॉजबक छोड़ना है, ठीक है। तो वो दोनों में से एक खेलेगा तो भी चलेगा, दोनों खेलेंगे तो जरा देख के कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम लोग, मतलब अंधाधुंध नहीं कि इसका मन किया तो इसको रख दो, ऐसा नहीं, ठीक है। सी एरिक्सन की बात करें, एरिक्सन इज़ मस्ट पिक फॉर देम, जिनको लगता है कि वो चल सकता है, ठीक है। अब हमारे जैसा बंदा तो रिस्क लेने में ही छोड़ देगा, ठीक है, अगर रिस्क लेना हो, बट मैं देखता हूँ आज रिस्क लेना है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो मैंने इसका नाम दिया तो शायद मैं भी इसको लूँगा। और हॉबबर्ग की बात करें तो हॉबबर्ग ने टॉटनहैम हॉटस्पुर में काफ़ी नाम कमाया है अपने फुटबॉल क्लब में, बट इंटरनेशनल में कैसा खेलेगा पता चलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पे खेलने में बहुत फ़र्क होता है यार। आज जो बंदा डोमेस्टिक में चल रहा है हो सकता है वो इंटरनेशनल में ना चले, और हो सकता है जो डोमेस्टिक में नहीं चल रहा वो इंटरनेशनल में अचानक चल जाए, ठीक है। यही सेम चीज़ फुटबॉल में, क्रिकेट में, हर जगह होती है। और आगे से बात करें निचले 3 प्लेयरों की, तो ये प्लेयर्स आ जाते हैं ऑपोजिशन टीम फिनलैंड के। सबसे पहला है टीमू पुकी, नॉर्विच सिटी में आज तक बहुत नाम कमाया इस बंदे ने भी। टीमू पुकी भी बहुत गोल करता था और काफ़ी एक सीज़न प्रीमियर लीग में भी बिताया था, फिर इंग्लिश चैंपियनशिप लीग कप के अंदर बिताया था। ये फ़ायदा हो गया कि खेला यूरोप में ही है, ऐसा मतलब बढ़िया है, मतलब ये क्या है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कोई अगर प्लेयर खेल रहा है उसको दिक्कत नहीं होगी, मतलब उसको ये नहीं होगा कि मैं होम में खेल रहा हूँ अवे में खेल रहा हूँ, ऐसा दिक्कत आती नहीं है। और बी कॉलमैन की बात करें, बी कॉलमैन को लेना एक्चुअली मजबूरी नहीं है, कई लोग इसको लेंगे, और जो बंदा इसको लेगा हो सकता है वो जे ओ वाइंड को भी छोड़े, ठीक है, अब पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों चारों लेना तो इम्पॉसिबल है। और ओ एंटमैन की बात करें, ही इज़ मस्ट पिक, इसको मत छोड़ना, ओ एंटमैन बहुत अच्छी फॉर्म में है। बिग इंजरी की बात करूँ, कोई इंजरी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर विनिंग चांसेस की बात करें तो फिनलैंड 35% दम रखती है यहाँ पर जीतने का, और 65% डेनमार्क पावर रखती है यहाँ जीतने की। एंड गोल चांसेस की बात करूँ यहाँ पर तो फिनलैंड 0 से 1 गोल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक एक्सपेक्ट होना चाहिए, इतनी गिरी हुई टीम नहीं है वो, और 1 से 3 गोल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डेनमार्क के। अब तुम बोलोगे कि भाई 1 से 3 क्या हो गया, देखो 1 हो गया मिनिमम, 3 हो गया मैक्सिमम, अब इसमें 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, अब ये पता चल जाएगा, मतलब 1 होना चाहिए, 1 होगा डेनमार्क का। अब बढ़ते हैं आगे, तो देखिए दोनों टीम्स बहुत अच्छा करती आ रही हैं। फिनलैंड ने लास्ट का 3, 4 से 5 मैचेस में एक भी मैच नहीं हारा, और कई मैचेस तो एक लंबे औसत से जीत, लंबे एवरेज से जीती है ये, ठीक है। और डेनमार्क का तो अलग ही लेवल है। तो सबसे पहले बात करें स्ट्राइकिंग की, टीमू पुकी। आप बोलोगे कि तूने टीमू पुकी ले लिया तो बी कॉलमैन भी तो ले सकता था, हाँ अगर आप ये सवाल कर रहे हो मुझसे तो अच्छा है, क्योंकि बी कॉलमैन भी बेटर है, बट टीमू पुकी को मैंने आज तक सिर्फ बड़े लेवल पे देखा है यार, मेरा मन ही नहीं मानेगा कि मैं पुकी को छोड़ के बी कॉलमैन लूँ, एक अंदर से होता है, तो इसलिए मैं भाई टीमू पुकी को ले रहा हूँ। आर हॉजलैंड की बात करें, देखिए आर हॉजलैंड इतना बुरा खिलाड़ी है ही नहीं, इस बंदे ने किस टीम को गोल आज तक नहीं किया, इस बंदे ने हर टीम को गोल किया है, इसने अब पिछले मैच में 20 जून को हाल ही में एक मैच होता है SLV को गोल किया था, यूरो क्वालीफायर्स का ही था, फिर कजाकिस्तान को 26 मार्च को गोल किया था, 1 मार्च में मैच इनके साथ भी हुआ था तब भी इसने गोल किया था, 3 गोल किए थे। और जियो वाइंड की बात करूं, वाइंड आजकल तो खेल रहा है, और वाइंड का डोमेस्टिक लेवल रिकॉर्ड में थोड़ी गिरावट है, वो इसलिए है क्योंकि टीम बदली अभी इन्होंने, सो पता चलेगा, ब्रेथफेट मैं लेता नहीं हूँ। और आगे से अगर बात करें मिडफील्डिंग की, एरिक्सन, ये एक मजबूरी है,
मैंने आपको जैसे कि बताया कि एरिक्सन एक ऐसा है कि जिन्होंने रिस्क लेना होगा तो वो छोड़ेंगे और जिन्होंने रिस्क नहीं लेना होगा तो वो लेंगे। मतलब ये है, ये खिलाड़ी वैसा नहीं है कि गोल करेगा ही करेगा, लेना ही लेना है, वो बात नहीं है इसके अंदर। एंड हॉजबर्ग की बात करें, पेयर हॉजबर्ग बहुत अच्छा खिलाड़ी, पिछले मैच में एसएलबी के खिलाफ एक जोरदार असिस्ट। उसके बाद वो एंटमैन की बात करें, एंटमैन तो अच्छा खेलता है, 7 सितंबर को ही आपने देख लिया होगा, मैंने कहा ही था 3 में से 1 प्लेयर गोल करेगा, वो एंटमैन ही कर गया अब। एंड बात करें स्कलर की, हाँ स्कलर पॉइंट देगा और आज तो और ज़रूरी देगा, क्योंकि आज क्या है कि आज तो क्लीन शीट का लालच ही नहीं है किसी को, क्योंकि सबको पता है डेनमार्क का परला भारी है, तो कोई बंदा ही नहीं होगा जो स्कलर को छोड़ के डिफेंडिंग बढ़ाएगा, क्योंकि डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर ऐसा नहीं है, ऑप्शन है लेकिन उससे बेटर नहीं है। आप किसको ले लोगे? आप इवनऑफ को ले लोगे। इवनऑफ ने पिछले मैच में जब 40 पॉइंट दिए तो उस मैच में क्लीन शीट थी, आज के मैच में अगर क्लीन शीट नहीं लगती तो इस बंदे से 20 पॉइंट भी एक्सपेक्ट मत करना, इसलिए मैंने नहीं लिया। और महाले की बात करूँ तो महाले जो खिलाड़ी है ये गोल्स और असिस्ट के लिए जाना जाता है, इसको मिडफील्डिंग अच्छी तरह आती है, कई बार डेनमार्क की तरफ से इस बंदे ने अंधाधुंध गोल किए हैं, अंधाधुंध असिस्ट किए हैं, इस बंदे को कई बार मैंने कप्तान रख के मैच जीता है, मैं ऐसी झूठ नहीं कहूँगा। और क्रिश्चियनसन की बात करें, क्रिश्चियनसन इतना बेटर नहीं है, टीम में लेने लायक है, ठीक है। एंड कैजियर की बात करें, हाँ कैजियर को छोड़ के अगर आप चौथा डिफेंडर ट्राई करते हो तो करो, क्योंकि एंडरसन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आगे से अगर बात करूँ गोलकीपिंग की, हर एक प्लेयर है लुकास हरदैकी, लुकास हरदैकी को काफ़ी टाइम खेलते देखा है और ऐसी बात नहीं है, हर बड़ी टीम के खिलाफ गोल से विग रेशियो 1 ही रहता है, कभी भी प्रेशरलाइज नहीं होता और ऐसा खिलाड़ी हमेशा चलता है जो प्रेशर में ना है, जो खिलाड़ी प्रेशर में आ जाएगा आपके सामने उसकी बैंड बच जाएगी। बात करें कप्तान की, मेरा कप्तान रैसमस हॉजलैंड, वाइस कप्तान के बहुत विकल्प हैं, लोग एंटमैन को रखेंगे, लोग हॉजबर्ग को रखेंगे, बट मेरे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो मैं जियो वाइंड को रखूंगा या मैं अपनी टीम का वाइस कप्तान जे माहेले को रखूंगा, बस इसके अलावा और कोई नहीं। तो ये मेरी टीम है अभी के लिए, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।